हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में आप लोगों को आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताऊंगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईसीटीज फॉर टीचिंग लर्निंग, वी विल एक्सप्लेन द नीड ऑफ आईसीटी फॉर क्लासरूम टीचिंग। टीचिंग में आईसीटी के रोल, कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, डेवलपमेंट को समझने और सीखने के बाद हम सब क्लासरूम टीचिंग में आईसीटी का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या नीड है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द आईसीटी आर नीडेड एट स्कूल लेवल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट पॉइंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। सेकेंड है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग के बारे में है। थर्ड पॉइंट है इवेल्युएशन एंड एक्टिविटीज़। फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। एंड फिफ्थ वन इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट। फर्स्ट हम लोग जानेंगे आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। मोस्ट टीचर्स फील्स कंफर्टेबल इन यूजिंग लेक्चर मेथड व्हिच इज नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। इट हेल्प्स लर्नर टू ब्रॉडन देयर इंफॉर्मेशन बेस। आईसीटी प्रोवाइड्स वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विच हेल्प्स लर्नर्स टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यूज़ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैक्सिमम टीचर्स लेक्चर मेथड को यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि कैपेबल नहीं है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आप विजुअली स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी टॉपिक्स को समझने में, समझाने में भी आसानी होती है। और जब हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं या सुनते हैं तो लंबे समय तक हम उसे याद रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीटी फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग। आईसीटी टीचिंग में आने वाले प्रॉब्लम्स को डायग्नोस्टिक और उसके रिमेडीज के लिए हम आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। बीइंग ए टीचर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु फेल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट और रिटेन सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम due to large class size, non-availability of diagnostic test in different subjects, lack of training resources, etc. Test can be made available on the website of the school and students can access them from home also. These practices can be monitored by parents also. In this way, ICT can be used providing remedial teaching. Being a teacher, आपको experience होगा कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ टॉपिक्स को बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं, या फिर लंबे समय तक कुछ ज़रूरी टॉपिक्स को याद नहीं रख पाते हैं। ड्यू टू लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट और क्लास साइज, हम एज ए टीचर हर स्टूडेंट्स को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। और ट्रेनिंग की कमी, एक्सपीरियंस की कमी या जो भी रिसोर्सेज की कमी के कारण हम कोई भी रिमेडियल स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। मॉक टेस्ट तो हम स्कूल या कॉलेज के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स को अवेल कर हर स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देख सकते हैं तुरंत। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी बिना समय के बर्बादी अपने टेस्ट के रिजल्ट का पता चल पाता है और यह भी पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक पर उन्हें और अध्ययन की ज़रूरत है। इस तरह से आईसीटी स्टूडेंट्स को रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने में यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आईसीटी फॉर इवेल्युएशन एक्टिविटीज़। मूल्यांकन गतिविधियों के लिए आईसीटी का यूज़। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम इज टू एक्सेस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। आईसीटी कैन बी यूज्ड इन द एजुकेशनल इवेल्युएशन। ऑनलाइन टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट टू इवेल्युएट हिज हर लर्निंग। स्टूडेंट्स कैन इंस्टेंटेनियसली गेट द फीडबैक अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज हर अंडरस्टैंडिंग। इफ द आंसर इज रॉन्ग ही और सी इवन गेट द करेक्ट आंसर। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स कैन ऑल्सो यूज इट टू
assess their own understanding of the subject. स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम का मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना. आईसीटी का यूज़ हम एजुकेशनल इवेल्युएशन में भी कर सकते हैं. ऑनलाइन टेस्ट का यूज़ करके स्टूडेंट्स खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियसली फीडबैक पा सकते हैं अपने ऑनलाइन टेस्ट की अब तक वो कितना सीख पाए हैं. अगर रॉन्ग है तो राइट आंसर भी उन्हें वहीं तुरंत डिस्प्ले किया जाता है. ना केवल स्टूडेंट, टीचर भी इसका यूज़ करके खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं. आईसीटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के बीच उनके सोच के विकास के लिए आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं. आईसीटी कैन बी यूज्ड इन मैनी सब्जेक्ट्स. आईसीटी प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड दे कैन चूज दोज दैट सूट देम द बेस्ट. आईसीटी का यूज़ बहुत सब्जेक्ट में किया जा सकता है. आईसीटी स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि वे उसे देखें और चूज़ कर सके कौन सा मटेरियल उन्हें अधिक समझने में मदद कर रहा है. आईसीटी की मदद से हम स्टूडेंट्स के बीच थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, डिस्कस करने के लिए ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि मान लिया आपको मैथ सब्जेक्ट में अलजेब्रा के चैप्टर के बारे में जानना है, तो आप आईसीटी की हेल्प से आईसीटी की टूल्स जैसे ऑनलाइन यूट्यूब को यूज़ कर आप बहुत सारे टीचर्स के अलजेब्रा वाले वीडियो को देख सकते हैं. आपके पास ऑप्शंस होता है कि इस टीचर का वे ऑफ टीचिंग सही नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, तो किसी और टीचर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी आप देख सकते हो. फिफ्थ पॉइंट इज आईसीटी फॉर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट. मींस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट के लिए आईसीटी का यूज. एट प्रेजेंट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट टीचर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स एट ऑल लेवल्स. समटाइम्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल इन द प्रिंट अंडरस्टैंडिंग आईसीटी फॉर्म आर नॉट ऑफ क्वालिटी एंड अपडेटेड. द टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी ऑफन नॉट एंजॉएबल एंड डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन. देर आर मैनी टीचर्स हु आर वेल नोन इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज. Their lectures should be recorded in CD-ROM or should be made available to all the users through broadcast on radio and television. It enhances the quality of instruction in the classroom. At present, लगभग सभी subjects में qualified योग्य competent यानी कि सक्षम teachers की shortage है. कभी कभी print format में available instructional material की qualities इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनमें जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सही नहीं होता है कि समझा जा सके या अपडेटेड नहीं होता है. कभी कभी टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ने में हम लोग अनकंफर्टेबल फील हो करते हैं, समझने में परेशानी होती है और कोई हेल्प नहीं मिल पाता. ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट्स में किसी टॉपिक में एक्सपर्ट हैं, तब हम उनकी वीडियोज़ को क्लासेस में दिखा सकते हैं. और एक्सपर्ट टीचर हर जगह तो हो नहीं सकते हैं, तो हम उनके वीडियो की सीडी को छात्रों को दिखा सकते हैं या रेडियो टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट हो रहे वीडियो को दिखा सकते हैं. तो इस तरह से आईसीटी की हेल्प से एजुकेशनल क्वालिटी को हम इन्हेंस कर सकते हैं.